हेलो एवरी वन दिस इज इशोर पाटीदार एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू चैप्टर नंबर थ्री डाटा एंडली ओके सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर वन द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स एज फोलो ठीक है पंद्रह स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स में जो टेस्ट हुआ उसके ये मार्क्स गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट मोड एंड मीडियन मोड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन भी आपको फाइंड आउट करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अरेंज अरेंज द फॉलोविंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हम जो गिवन डाटा है क्योंकि मोड और मीडियम निकालने के लिए डाटा अरेंज होने चाहिए ठीक है सो सबसे सब, सब सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं तो अरेंज कैसे होगा कि सबसे पहले इसमें सबसे छोटी वैल्यू जैसे नाइन आई थिंक इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपकी नाइन है सो नाइन टेक फर्स्ट नाइन देन टेन टेन के बाद है इसके अंदर ट्वेल्व ट्वेल्व यो ट्वेल्व फिर फ, आ, फाइव भी है ना इसमें देखिए फाइव भी दे रखा है ये फाइव भी है अपने पास फिर है आपके पास ट्वेल्व इसके बाद है फिफ्टीन uh, है फिर सिक्सटीन है सो फिफ्टीन सिक्सटीन ये फिफ्टीन हो गया सिक्सटीन हो गया फिर उसके बाद नाइनटीन hmm. ये नाइन्टीन हो गया अब देखो ट्वेंटी 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 तीन बार है सो ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ठीक है तीन बार हो गया फिर ट्वेंटी के बाद आप क्या आ रहा है ट्वेंटी uh, एक ट्वेंटी हो रहा है सो राइट हीयर वन ट्वेंटी मोर then 23, 24, 25, 24 हो गया 25, 25 दो बार आ रहा है सो so, राइट right here टू टाइम्स 25 और बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके तो ये हो गया आपका अरेंज अब डाटा अरेंज होने पर सबसे पहले हम निकालेंगे मोड और मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20, ओके अब मोड ट्वेंटी क्यों हुआ बिकॉज नंबर ट्वेंटी इज अकर्स मैक्सिमम टाइम्स सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है ट्वेंटी आ रहा है तो आपका मोड सिंपल से हम कह सकते हैं अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती सीधा डाटा को देखना है और आंसर निकालना है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडियन अब मीडियन में सबसे पहले स्टेप नंबर वन स्टेप वन फाइंड स्मॉल एन और स्मॉल एन कितना है फिफ्टीन डाटा को काउंट करेंगे तो फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू अब स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे मीडियन मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू द टर्म ये आपका मीडियन हो गया ठीक है अब इसमें वैल्यू रखो फिफ्टीन प्लस वन अपॉन टू ठीक है इज इक्स टू फिफ्टीन प्लस टू फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन अपॉन टू एट यानी कि एट्थ टर्म एट्थ टर्म अब इसमें काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी कि ये वैल्यू ठीक है तो अपना आंसर आ जाएगा ट्वेंटी अब देखो क्वेश्चन में एक और बोल रखा है आर दे सेम मतलब मोड और मीडियम इस डाटा के लिए सेम है सो वी कैन से यस बोथ आर सेम मीन्स मॉड एंड मीडियंस आर सेम फॉर द गिवन डाटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर वन नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर सी क्वेश्चन नंबर टू द रन्स स्कोर्ड क्रिकेट मैच बाई इलेवन प्लेयर्स इज एज फॉलो ठीक है एक क्रिकेट मैच है जिसमें इलेवन प्लेयर के द्वारा बनाए गए ये सारे रन्स है अब इस इन सारे डाटा का आपको निकालना है मीन मॉड और मीडियम तीनों निकालने ठीक है ठीके? तीनों रिप्रेजेंटेटिव डाटा आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम हम करेंगे अरेंज अरेंज दलोइंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो सबसे पहले वैल्यू आएगी आपके पास सिक्स देन ऐट देन टेन दो बार टेन आ रहा है टेन फिर उसके बाद फिफ्टीन अगेन फिफ्टीन अगेन फिफ्टीन वन टू थ्री बार फिफ्टीन आ रहा है ठीक है वन टू ये हो गया इसके बाद ये हो गया ये हो गया ये, ये. अब की, अब आ रहा है नेक्स्ट फिफ्टी फिर आपका एटी हंड्रेड एंड वन ट्वेंटी ठीक है ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ठीक है ये हो गया अरेंज तो सबसे पहले अपन मोड निकाल लेते हैं वन फर्स्ट है आपके पास मोड तो सीधा आपको दिख रहा है मोड हो जाएगा आपका 15 15 इज द मोड सेकेंड हम बात करें मीडियन मीडियन सो फाइंड एन और एन इज इक्वल टू आपका कितना इलेवन है सो डायरेक्ट अब फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू द टर्म इज इक्वल टू इलेवन प्लस वन अपॉन टू टर्म इज इस्ट टू इलेवन प्लस वन ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू सिक्स सो सिक्स टर्म सिक्स टर्म आपके आंसर हो जाएगा सो काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि आपका आंसर आ गया फिफ्टीन ओके नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड मीन और मीन <coughs> निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो सिक्स प्लस एट प्लस टेन प्लस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टी प्लस एट्टी प्लस हंड्रेड प्लस वन ट्वेंटी ठीक है अब इन सबको ऐड करना है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये हंड्रेड और ये हंड्रेड टू हंड्रेड और ये ये भी आपका हंड्रेड थ्री हंड्रेड और ये हो गया आपका थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी ठीक है ये हो गया फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव ठीक है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं सिक्सटी फाइव और ये हो गया आप फोर्टीन इसको ऐड कर लो नाइन सिक्स और वन सेवन सेवन प्लस टू ये हो गया आपके पास ट्वेल्व वन कैरी फोर नाइन अच्छा इसको हम डिवाइड से करेंगे इलेवन से बिकॉज वी हैव टोटल इलेवन प्लेयर्स अपॉन डिवाइडेड बाई इलेवन तो अब इसको आप डिवाइड करो देखो डिवाइड करेंगे आपके आ, तो ये चला जाएगा अप्रोक्स थ्री टाइम्स थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थर्टी के बाद आपके पास आएगा ये नाइन दैट मीन्स थर्टी नाइन तो ये आपका एवरेज आ गया ठीक है मीन्स मीन आ गया अब क्वेश्चन था आर द थ्री सेम नो आंसर आ जाएगा इसका नो बिकॉज मीडियन इज डिफरेंट फ्रॉम मोड एंड मीडियन बट हियर मोड एंड मीडियंस आर सेम ओके सो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द वेट ऑफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर अब ये जो है ना ये सारा वेट दे रखा है इन के जी लिख लेते हैं इन के तो ये सारा वेट आपको गिवन है आपको फाइंड आउट करना है मोड और मीडियन ये दो फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन है इज देयर मोर देन वन मोड आपको ये भी चेक करना है कि इस इस ये जो गिवन डाटा है क्या इसका एक से ज़्यादा मोड पॉसिबल है या फिर नहीं है तो हम देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके सो फर्स्ट स्टेप नंबर वन जो है वो आपका अरेंज अरेंज डाटा ठीक है अरेंज किया आपने सबसे पहले तो इनको अरेंज कर लेंगे तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आई थिंक थर्टी टू और आएगा हम देख लेंगे थर्टी टू देन थर्टी टू के बाद आ रहा है आपके पास ये आ रहा है थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी फाइव हो गया थर्टी सिक्स फिर उसके बाद थर्टी सेवन फिर इसके बाद देखो थर्टी एट वन टू थ्री थ्री टाइम्स वन टू थ्री टाइम थर्टी एट ठीक है एक बार और चेक कर लेते हैं हाँ ठीक है देन उसके बाद आ रहा है फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी टू हो गया फिर फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री और फोर्टी थ्री थ्री टाइम्स है ना तो फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री तीन बार वन

इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ओके क्लियर ये हो गया आपका अरेंज सबसे पहले फर्स्ट मोड अब यहाँ पर देखिए मोड जो है आपके पास दो वाली आ रही है वन एंड टू दो मोड कैसे जैसे अगर हम बात करें थर्टी एट और एक फोर्टी थ्री दिस टू वैल्यू अकर्स सेम टाइम्स थ्री टाइम्स ओके सो द मोड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाटा इज फर्स्ट इज थर्टी एट थर्टी एट एंड द सेकेंड इज 43 और इसका आंसर हो जाएगा यस देयर आर मोर देन टू मोड्स मोर देन वन मोड्स ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड मीडियन है ना तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी ये फर्स्ट फाइंड स्मॉल एन एंड विच इज इक्वल्स टू 15 देन यूज द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टू द टर्म इज़ काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फोर्टी ये हो गया आपका आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इस डाटा का आपको मीडियन और मोड uh, दोनों फाइंड आउट करना है तो पहला आपका वही अरेंज अरेंज डाटा सबसे पहले हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं तो सबसे पहले आए, आएगा आपका यहाँ पर ट्वेल्व ट्वेल्व दो बार आ रहा है ठीक है फिर थर्टीन थर्टीन दो बार थर्टीन क्लियर फिर उसके बाद फोर्टीन 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 थ्री टाइम्स फोर्टीन 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 और ये भी हो गया आपके पास फिर सिक्सटीन देन नाइनटीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ये हो गया अरेंज अब इसके बाद फर्स्ट मोड अब देख सकते हैं आप फोर्टीन आपके पास दिख रहा है फोर्टीन इज अकर्स मैक्सिमम टाइम्स सो मोड इज इक्वल्स टू फोर्टीन नेक्स्ट टू मीडियन Find small n and which is equals to nine. Then use the formula median is equal to n plus one upon two term is equals to nine plus one upon two is equals to ten divided by two five we and yani fifth term. फिफ्थ टर्म इज यो काउंट वन टू थ्री फोर फाइव ओके है आपका क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन स्टेटमेंट इज ट्रू ऑर फॉल्स चार स्टेटमेंट गिवन है आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ठीक है सो द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा सो द आंसर इज ओके आंसर इज यस अभी तक आपने जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं जो मोड आपके पास आ रहा है मोड ठीक है तो वो कोई ना कोई अ डाटा मीन्स जो आपके पास जो डाटा जैसे ये डाटा गिवन है तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक नंबर होगा जो मोड होगा ठीक है सो इट इज ट्र्यू नेक्स्ट द mean इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा सो द आंसर इज नो फॉल्स ये हो जाएगा आपका फॉल्स ओके सो फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर आप मीन भी अगर निकालते हैं तो हो सकता है कि वो डाटा भी पॉसिबल लेकिन इसने वन ऑफ द नंबर का है क्या इसमें से एक नंबर हो uh, एक हो सकता है सो इट इज़ नॉट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक नंबर हो एक नंबर ऐसा भी नहीं भी हो सकता है ठीक है आंसर हो जाएगा आपका नो नेक्स्ट थर्ड द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा सो आंसर इज यस आंसर इज ट्री देखिए अभी तक आपने जो मीडियन निकाला था सबसे पहले हमने अरेंज किया था डाटा को फिर नंबर्स को जो टर्म्स आई उसको काउंट करके वही नंबर आपका मीडियन होता था सो इट इज यस ओके यस नेक्स्ट लास्ट द डाटा यह आपके पास कुछ डाटा दे रखा है कि अब ये कह रहा है कि हैज़ मीन नाइन क्या इस डाटा का जो मीन है वो नाइन है तो पैन कैलकुलेट करेंगे सो मीन मीन इज इक्व टू सिक्स प्लस फोर प्लस थ्री प्लस एट प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है आई थिंक इसमें एट दे रखा है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये दे रखा है सो डिवाइडेड बाई एट अब ये आपके पास हो गया अब इसको आप टोटल कर लो जल्दी से फटाफट ये हो गया आपका टेन थर्टीन ये हो जाएगा आपके पास एटीन और थ्री ट्वेंटी वन थर्टी थर्टी के बाद फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी फाइव और ये हो गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई एट टाइम्स सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग यानी कि फॉल्स आपके पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगा फॉल्स अच्छा ये फॉल्स वगैरह ये फॉल्स है ना ये ट्रू ये ट्रू ये आपके पास हो जाएगा फॉल्स ये आपका हो जाएगा ट्रू ट्रू चलिए ठीक है तो ये है आपकी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू वेरी मच